नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दोस्तों, गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा दिए जाने को लेकर बीते दिनों जमकर हंगामा हुआ। इस बात को लेकर हंगामा चल ही रहा था कि इस बीच प्रियंका गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारा ड्रामा कांग्रेस का ही रचा हुआ था। दरअसल 26 नवंबर को दोपहर बाद लगभग 2 बजे एक काली स्कॉर्पियो आकर प्रियंका गांधी के आवास पर रुकती है। उस समय उनके दफ्तर में बैठक चल रही होती है। उनका एक सहयोगी बाहर आकर स्कॉर्पियो से उतरे लोगों से पूछताछ करता है। कार से उतरे लोगों में 2 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल होता है। उन्होंने कहा कि वो प्रियंका गांधी के साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के दफ्तर में कर्मचारियों ने जब वहां तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से पूछा कि ये लोग अंदर कैसे आ गए, तो जवाब मिला कि आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, और इसी पर विवाद शुरू हो गया। लेकिन अब उसी विवाद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि वो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता थे। कार के मालिक के तौर पर चंद्रशेखर त्यागी का नाम आया है, जो कि कांग्रेस नेता के बेटे हैं। इसके अलावा वो खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। कार मेरठ से रजिस्टर्ड है, और इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने गांधी परिवार से हटाई गई एसपीजी सुरक्षा को लेकर संसद से सड़क तक खूब हंगामा किया है। जबकि दूसरी ओर शेखर त्यागी का कहना है कि दरअसल घर पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और ये वही बयान है जो कांग्रेस बुलवाना चाहती थी। गौरतलब है कि सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में लगी एसपीजी घेरे को हटा लिया है। इसके बदले उन्हें सीआरपीएफ की जेट प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पहले ये सुरक्षा प्रधानमंत्री के लिए थी, जिसमें बाद में गांधी परिवार को शामिल कर लिया गया था। लेकिन हाल ही में देश के गृह मंत्री ने एसपीजी सुरक्षा को लेकर बिल पेश किया, जिसके बाद जोरदार हंगामे के बीच ये दोनों सदनों में ये बिल पास हो गया। इस बिल के मुताबिक सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा देने की बात कही गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।